नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रूस ने यूक्रेन को रुला दिया है। ज़ेलेंस्की एक शहर में सेना भेजते हैं तो पुतिन दूसरे शहर पर हमला कर देते हैं। ताजा हमले में अब तक बताया जा रहा है 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन की फौज पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की की फौज रूस को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो से इस बात फिर से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजे ताकि रूस का सामना किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्या नेटो से मिलने वाले हथियार इतने ताकतवर हैं कि रूस की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके। ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आज दुश्मन ने इंसानों के खिलाफ एक और भयानक आतंकवादी कृत्य को अंजाम दिया है। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ चौतरफा हमला कर रहा है। जिन शहरों पर रूस का कब्जा है उसके आसपास के इलाकों में रूस की फौज मिसाइलों पर मिसाइलें दाग रही है। रूस के मुताबिक इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के आर्मी के अड्डे होते हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दिखता है वो ये कि आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हाल के हमलों को आप गौर से देखेंगे तो ये भी स्पष्ट होगा कि रूस तब और जोरदार हमले कर रहा है जब यूक्रेन रूस के किसी गांव, कस्बे या इलाकों में बम बरसा रहा है या ड्रोन हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की रूस पर हमले कर फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि रूस की फौज के सामने ज़ेलेंस्की की ताकत बहुत कम पड़ जाती है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर हमले तो कर देती है, लेकिन उसका नतीजा यूक्रेन की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर लंबी रेंज के हथियारों के लिए अपील की है। यानी ज़ेलेंस्की नेटो से फिर हथियार मांग रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा, हमारे शहर और लोग हर दिन रूसी हमले झेल रहे हैं, लेकिन रूसी मिसाइल लॉन्चरों को दबाकर हम इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत होगी। इसके साथ ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ाने होंगे। करीब 2.5 सालों से ज़ेलेंस्की नेटो से यही अपील करते आ रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ताकतें ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई भी कर रही है, लेकिन जितना भी सप्लाई बढ़ा रही हैं, ज़ेलेंस्की उससे और ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं।
इसका सीधा सा कारण है कि रूस के हथियारों की जखीरों के मुकाबले नाटो की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई चाहे जितनी हो कम पड़ रही है, और नतीजा यह है कि जेलेंस्की की सेना एक हमले करती है तो पुतिन की फौज हमलों की झड़ी लगा देती है। रूस के हमलों के कारण यूक्रेन ने देश की लगभग 80% ऊर्जा क्षमता खो दिया है। हाल के हफ्तों में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर लगातार रूसी हमलों ने सरकार को देश भर में ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। नीप्रो में हुए हमले पर चर्चा करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ये यूक्रेन के सहयोगियों के लिए एक चेतावनी है कि देश को अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। यूक्रेनी वायुसेना ने रात भर में 10 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। सवाल है कि रूस के हमलों के प्रतिकार की क्षमता जेलेंस्की के पास कितनी बची है? यूक्रेन कब तक रूस के हमलों का काउंटर जवाब दे सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ नाटो के पास है कि वो किस स्तर तक यूक्रेन की मदद कर सकता है और हथियारों की कितनी खेप कीव को भेज सकता है। हथियारों की कमी का कारण है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेनी सेना रूसी सेना के मिसाइल हमलों को रोकने में कई बार विफल रही है। कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन की सेना की जो स्थिति कमजोर हुई है उसके कई कारण हैं। पहला कारण, पिछले साल रूस पर जवाबी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना रूसी सेना की सप्लाई लाइन को तोड़ने में विफल रही। इस दौरान रूस ने ज्यादा सैनिक और हथियार जुटाने में कामयाबी हासिल की। दूसरा कारण, रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमले के लिए ग्लाइड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन के पास ऐसा करने के लिए हथियारों की कमी हो गई है जिससे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ गया है। तीसरा कारण, क्योंकि यूक्रेन के पास बिजली उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार नहीं थे। कुल मिलाकर हथियारों की कमी ही जेलेंस्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, और यही पुतिन की पॉलिसी है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर बना दिया जाए। पुतिन के सामने स्पष्ट है कि इस युद्ध की कमजोर कड़ी यूक्रेन नहीं बल्कि पश्चिमी देश हैं। अगर यूक्रेन को लगातार पश्चिम से ज्यादा आर्थिक और सैन्य सहायता की जरूरत पड़ेगी तो किसी समझौते या उसके आत्मसमर्पण की संभावना बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए पुतिन पश्चिमी देशों को जेलेंस्की को हथियार सप्लाई करने की चेतावनी देने के साथ यूक्रेन के हथियार कारखाने को जबरदस्त तरीके से टारगेट बना रहे हैं। इसी टारगेट का हिस्सा है F-16 फाइटर जेट के लिए उड़ान भरने के लिए जरूरी यूक्रेन के एयर स्ट्रिप का विध्वंस। कीव का एयरबेस, खार्किव, लीव, ओदेसा, ज़ापोरिज़्या, मारियोपोल, सेवेस्तोपोल, डोनेस, लोहान्स, नीप्रो, खेरसोन। रूस यूक्रेन के जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी को निशाना बना रहा है। इसका कारण है यूक्रेन को जुलाई में मिलने वाले F-16 फाइटर जेट की खेप। रूस F-16 यूक्रेन पहुंचाने के पहले यूक्रेन के एयर स्ट्रिप को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जेलेंस्की जिन हथियारों की मांग कर रहे हैं उसी के तहत नाटो के देश यूक्रेन को दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि F-16 युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखता है, लेकिन कितनी ताकत रखता है इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि यूक्रेन F-16 की अपनी खेप को बचाने के लिए कौन सा नया इंतजाम कर रहा है। लेकिन अभी F-16 में क्या वो क्षमता है कि वो युद्ध को यूक्रेन के पक्ष में पलट दे? ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर है, यानी एक उड़ान में ये इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है। ये 2,145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। F-16 चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। हालांकि F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी इसकी मिसाइलें 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को मार सकती हैं।
इसके अलावा F-16 का रेडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। बाकी फाइटर जेट की दमदारी उसे उड़ाने वाले पायलट पर भी निर्भर करती है। यूक्रेन के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने की मदद करने के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है। F-16 विमान किसी भी मौसम में और रात में भी ज्यादा सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन के पायलटों के पास या यूक्रेन की जमीन से F-16 के ऑपरेशन को उस लेवल पर अंजाम देने की ताकत है। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है। एक निश्चित संख्या में विमान को यूक्रेन के बाहर स्थित एयरबेस पर तैनात रखा जाएगा, ताकि यहां उन्हें निशाना बनने से बचाया जा सके। इसके लिए हो सकता है कि यूक्रेन पोलैंड का चुनाव करे। हालांकि यहां भी दिक्कत यह है कि पोलैंड से F-16 सीधे उड़ान भरता है और रूस की जमीन पर हमला करता है, तो तकनीकी रूप से पोलैंड रूस के रडार पर होगा और पुतिन पोलैंड पर हमला करने के इस मौके को चूकेंगे नहीं। पोलैंड नाटो देशों से मिलने वाले हथियारों को यूक्रेन पहुंचाने का रास्ता है। यही वजह है कि पोलैंड के बॉर्डर के पास बेलारूस में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि F-16 को लेकर यूक्रेन जिस तरह के मंसूबे बांध रहा है वो पूरा होने वाला नहीं है। इसकी राह में कई रोड़े हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन के जो पायलट 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद F-16 उड़ाएंगे, उनके पास रूस को रोकने की काबिलियत कितनी होगी। दूसरा ये कि यूक्रेन को जो F-16 मिल रहे हैं वो किस स्तर के होंगे। तीसरा ये कि ज़ेलेंस्की ने 120 F-16 यानी 4 स्क्वाडन की मांग की है, लेकिन मिलेंगे बस 65, तो इस तादाद से F-16 रूस को कितना रोक पाएगा। चौथी वजह कि क्या F-16 रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को दबा कर पाने में सक्षम है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब F-16 यूक्रेन पहुंचेगा और उसका सामना रूस के सुखोई फाइटर प्लेन या S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से होगा। फिलहाल तो रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है और ज़ेलेंस्की चाहे जितने भी दावे कर लें, रूस को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। कमी चाहे हथियारों की हो या सैनिकों की, पुतिन आगे बढ़ रहे नाटो की ज़ेलेंस्की को पूरी ताकत से मदद करने के बावजूद। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का यह है नया नाम। मुंबई से सटे लोनावला में छुट्टियां मनाने गया परिवार, झरने के तेज बहाव में बहा परिवार के 3 सदस्यों की मौत, 2 लापता। पुलिस और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर मिला सम्मान। BCCI ने टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का किया ऐलान। जय शाह ने कहा शानदार रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में हुई महिला की पिटाई मामले में पुलिस का एक्शन। News 18 India पर खबर दिखाए जाने के बाद मुख्य आरोपी ताजमूल को गिरफ्तार किया गया। BJP और कांग्रेस ने ममता सरकार को घेरा। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का यह है नया नाम। विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया, कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। भारी बारिश से मुसीबत झांसी यूपी। यूपी के झांसी में बारिश के कोहराम से लोग त्राहिमाम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाद झांसी की सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, सड़क किनारे के नालों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई सैलाब हो। डूब गया सकसोहरा बाजार पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। तो गुजरात के कई इलाकों में मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में ऑरेंज
और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आज भी पूरे राज्य में आंधी तूफान की आशंका है। कच्छ, सूरत, बारडोली, पंचमहल में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। द्वारका, जामनगर, मोरबी, अरवली में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। तो गुजरात के अहमदाबाद से बारिश के कहर की एक तस्वीर सामने आई। वहां बारिश से सड़क किनारे लगा एक पेड़ टूटकर गिर गया। ये पेड़ टूटकर वहां खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरा, जो भारी भरकम पेड़ गिरने से पूरी तरह से पिचक गई। ये अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल आंधी और तूफान क्योंकि वहां पर है और आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी की वजह से ये भारी भरकम पेड़ एक गाड़ी पर गिर गया, जिसके बाद ये पूरी तरह से गाड़ी जो है खराब हो गई। दो तस्वीरें आपके सामने देखे, तेज बारिश से पेड़ टूटकर एक गाड़ी पर जा गिरा और दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की दिखा रहे। कई इलाकों में पानी भर चुका है, स्थिति वहां पर अब खराब होती जा रही है। और अहमदाबाद के बाद अब आपको राजकोट से आई तस्वीर दिखाते हैं, जो अब बारिश के बाद नदी में उफान आ गया और इसमें ट्रैक्टर बहता हुआ दिखाया गया। बताया गया कि ट्रैक्टर को नदी किनारे रेत भरने के लिए लाया गया था। नदी में अचानक बड़े पानी से ट्रैक्टर उसमें डूब गया और तैरने लगा। बाद में मिट्टी खोदने वाली मशीन से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर जो है फंस गया, बाढ़ के पानी में डूब गया था पूरी तरीके से, जिसके बाद किस तरीके से मशीन से इसे बाहर निकाला गया। और अब सूरत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश नौ महीने की गाजा जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। अभी तक लग रहा था कि इजरायली सेना हमास का सफाया कर देगी, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि ईरान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले की बड़ी तैयारी हो चुकी है। देखिए, इजराइल ने मौके की नजाकत को भांप कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब कयामत युद्ध होकर रहेगा। एक हजार किलोग्राम के 14,000 बमों से हमला, फिर भी हार गया इजराइल। जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है और दुनिया के सामने कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल कयामत युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे और हिजबुल्ला के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़ी जंगी दावे किए गए हों, वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजराइल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजराइल की विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दे दी है। इजराइल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजराइल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजराइल कैट्ज ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्ला लेबनान से इजराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق، سبيلها وحيد أوحد لا آخر له.
अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में भयानक हमले किए हैं। रफा, जबालिया कैंप, खान यूनुस में इजरायली सेना ने चुन चुन कर टारगेट तबाह किए हैं। दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन के करीब 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मौजूद हैं, जो इजरायली सेना पर सटीक हमले कर रहे हैं। टैंक, माइन, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर घातक हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को मारने के चक्कर में फिलिस्तीनियों को भी मारने के लिए मजबूर हो गई है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने कम से कम 40 फिलिस्तीनियों को मार दिया है, जबकि 224 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है। अब तक गाजा पट्टी में 37,834 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या 86,858 तक पहुंच चुकी है। दक्षिणी गाजा के रफा शहर और पूर्वी गाजा के शुजाया में इजरायली सेना ने जमकर गोलीबारी की है। रफा में तो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। इजरायली बमबारी में पश्चिमी रफा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना खान यूनुस के पूर्व में अबासन और खुजा सहित कई शहरों को तोपखाने से निशाना बनाया है। היבשתית, האווירית, מחזקים את מערכי המודיעין ונערכים לכל אפשרות. צריך לזכור את המצב הבסיסי. המצב הוא שחיזבאללה פתח נגדנו במלחמה, גם אם מוגבלת, בשמיני באוקטובר, יום אחרי חמאס, ומאז הוא לא עצר אותה. ובמובן הזה יש לנו חובה לשנות את המצב בצפון. אב חוגה קיימת יוט, איראן, ימן, סיריה, טריפל ג'אנג. लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला, यमन की तरफ से हूथी विद्रोही, सीरिया की तरफ से स्थानीय लड़ाके और ईरान की तरफ से वहां स्पेशल फोर्स इस वक्त जंग में इजरायल को चारों खाने चित करने में जुटी हैं। इजरायल की नेतन्याहू सरकार भी जानती है कि इजरायल गाजा युद्ध के दौरान अब 9 महीने बाद चारों तरफ से घिर चुका है। इसीलिए इजरायल के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि अब इजरायल ऐसे घातक हथियार से हमला करेगा जिसके बारे में ईरान, सीरिया, यमन और लेबनान के लड़ाकों ने सोचा भी नहीं होगा। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि इजरायली सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो कयामत ढा सकते हैं। इजरायली अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के दूसरे देश भी उनके खिलाफ आ जाएं तो इजरायली सेना उन्हें बर्बाद कर देगी। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वर्कर काउंसिल के चेयरमैन यायर कार्ड्स ने दो टूक कहा है, इजरायल के पास एक हथियार है जो ईरान का मुकाबला कर सकता है। कार्ड्स ने भी दावा किया कि अगर हमें लगता है कि इजरायल के अस्तित्व पर खतरा है तो ईरान, यमन, सीरिया और मध्य पूर्व के सभी देश मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग करते हैं तो हमारे पास कयामत ढाने वाले हथियार मौजूद हैं जिनसे हम उनका विनाश कर देंगे। हालांकि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला बार बार इजरायल को धमकी दे रहे हैं कि हिजबुल्ला के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो इजरायल का विनाश कर सकते हैं। हसलना अला असलहा जदीदा طبعا ما حقول شو هي الاسلحه الجديده هاي بتبين بالميدان وقت اللي بتاخذ او بتبين بال लेबनान की तरफ से इसराइल पर 1200 से ज्यादा हमले हुए हैं। खास तौर से उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला लड़ाकों ने घातक हमले किए हैं। हालांकि इसराइल के एंटी रॉकेट सिस्टम ने 95% से ज्यादा रॉकेट को हवा में तबाह करने का दावा किया है। इसराइल इस बात से हैरान है कि आखिर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइली सेना के मरकावा टैंक को तबाह कैसे कर रहे हैं। इसराइल के मरकावा टैंक को दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक माना जाता है, लेकिन हमास को रफा क्रॉसिंग से ऐसे हथियार तस्करी के जरिए मिल रहे हैं जिन्होंने इसराइल की नींद उड़ा दी है। पिछले हफ्ते ही हमास को हथियार सप्लाई करने वाला एक सप्लायर मारा गया है। जरा देखिए कैसे मारा गया हमास का हथियार सप्लायर अबू अशा। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने रफा के बेहद अंदर हवाई हमला किया है जिससे हमास का हथियार सप्लायर अबू अशाक मारा गया है। अबू अशाक ही हमास को हथियार सप्लाई कर रहा था जिसकी भनक आईडीएफ को लगी, जिसके बाद रफा में इजरायली सेना ने पहले अबू अशाक की कार का पीछा किया और फिर जैसे इजरायली वायुसेना को अबू अशाक की कार दिखाई दी उस वक्त उसकी कार पर 3 से 4 मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें अबू अशाक मारा गया। לנו ברור שאנחנו צריכים להכריע את חטיבת רפיח. אני חושב שהמשימה הזאת מתקדמת באופן נחוש, מקצועי לצערי. גם לצד המחיר הכבד ששילמנו היום, ההישגים ברפיח
של אוגדה 162, פיקוד הדרום, הישגים משמעותיים מאוד, וכן, אנחנו מתקרבים לפירוק חטיבת רפיח. 9 महीने से चल रही खूनी जंग के बावजूद हमास खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अबू अशाक जैसे हथियार सप्लायर जो लगातार हमास को हथियार दे रहे हैं। जरा सोचिए, अबू अशाक हमास को कैसे हथियार सप्लाई करता है? आतंकी अबू अशाक हमास को हथियार की तस्करी करता था। अबू अशाक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही हमास को रफा क्रॉसिंग से हथियार सप्लाई कर रहा था। खबर ये भी है कि अबू अशाक अंडरग्राउंड टनल के जरिए हमास को हथियार पहुंचा रहा था, जिसकी खबर आईडीएफ को लग गई थी। गाजा पट्टी में आईडीएफ इंटेलिजेंस की तरफ से दिए गए इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें आतंकी अबू अशाक मारा गया। इजरायली वायुसेना ने रफा में रात भर रेडी टू फायर रॉकेट वाले एक लॉन्चिंग साइट को भी तबाह कर डाला है। इसके अलावा हवाई हमले में मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आतंकवादी सेल और अंडरग्राउंड टनल को तबाह और बर्बाद किया गया है। ناس أبرياء ناس شرفة ما فيش لهم حاجة راح يجيبوا تجار يا الله قتلوا التجار قتلوا الناس قتلوا الأطفال قتلوا النسوان بهدلونا يا ربي أنا بقول بس حس من الله ونعم الوكيل أكثر من كده पिछले एक महीने से हिजबुल्ला और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दो। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा, ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा ना खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचे और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकले। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें, जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अब देखना होगा कि अगर इजराइल पर चारों तरफ से हमले होंगे तो इजरायली सेना इसका कैसे मुकाबला करेगी।